बिहार सरकार की कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत भागलपुर पहुंचे। उन्होंने आज कई विभागों के अधिकारियों, विधायक और सांसद के साथ अहम बैठक की। लोगों की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ कई योजनाओं पर उन्होंने अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कई अधूरे काम है, सड़क जर्जर है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, ऐसे कई कार्यों को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। साथ उन्होंने कहा कि शिक्षकों का प्रशिक्षण 4 तारीख से प्रारंभ होना है, इसमें किसी तरह की छुट्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह बॉर्डर पर फौजी तैनात रहते हैं, कलेक्टर अपने काम में लगे रहते हैं, थाने की पुलिस अपने कार्य में लगे रहते हैं, चिकित्सक अपने कार्य में लगे रहते हैं, उसी तरह शिक्षा को भी आगे बढ़ाना है और शिक्षित विकासशील बिहार बनाना है। इसी फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ते हुए बिहार विकास करेगा, इसमें अब किसी तरह की संदेह लोगों को नहीं होनी चाहिए। साथ में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार इतना काम कर रही है कि किसी भी तरह के झगड़े को आप तूल नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के कई साथी उपाध्यक्ष बने हैं, योजनाओं की समीक्षा नियुक्ति पत्र देने के लिए भागलपुर पहुंचा हूं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी दिए जाएंगे और उसकी प्रक्रिया जोर शोर से शुरू हो गई है। वहीं भाजपा पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा चाहती है कि यहां के युवा तलवार लेकर चले, लेकिन अब जनता समझदार है, 2024 के चुनाव में जनता जवाब देगी। यहां के युवा अब तलवार नहीं कलम लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसको लेकर एक बड़ी क्रांति लाई जा रही है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के अलावा इस बैठक में विधायक, सांसद, मेयर व कई विभागों से संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। देश में पहली बार बेरोजगार नौजवानों को उनके मेहनत के बल पे रोजगार का वितरण होगा, मतलब नौकरी बांटी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरियां देंगी। मंडल तो दिक्कत कहाँ पे आई, हम लोगों को भी दिक्कत आई कि हम लोग चाहते थे कि देश के और बिहार के नौजवानों को हम लोग कलम बांटे, लेकिन तलवार बांटने वाले जो लोग थे उनको बड़ा दर्द हो रहा है। वो चाहते हैं कि बिहार के नौजवान हमेशा तलवार लेके, लेकिन बिहार के मुखिया और उप मुखिया दोनों चाहते हैं कि नौजवान कलम लेके चले। अभी तो शुरुआत हुई, हम तो कई नौजवान पत्रकार के साथियों से भी आग्रह करें कि आप जो दबाव में इतना काम करते हैं बड़े बड़े चैनलों के साथ, बहुत सारी वैकेंसियां निकलेगी, आप लोग भी भरिए, ये तनाव मुक्त हो जाइए, क्योंकि हमारी सरकार की हमेशा नीति रही है तनाव मुक्त होकर के काम करना। तो हम बिहार के नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, हमारा कमिटमेंट कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, हम रोजगार भी दे रहे हैं और नौकरियां भी दे रहे हैं। अब यहां से जाएंगे, यहाँ किसी मैदान में जो टीचर्स की बहाली उसकी नियुक्ति पत्र बांटना है उसको बांटेंगे और वहीं से प्रेरणा भी देंगे। अभी तो झांकी है 1,33,000 का, हर हालत में 10 लाख हम लोग जो है पूरा करेंगे, फिर 2024 में आपकी उपस्थिति में जनता के सामने खड़े होंगे। नीतीश कुमार ने दो ट्वीट कर दिया है कि सरकार की उपलब्धि गिना है, इसको तेजस्वी यादव की उपलब्धि ना गिना है, राजद के मंत्री। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब वैकेंसी निकले तो आप लोग भी भरिए, झगड़ा लगाने वाला कमवा जो है नहीं छोड़िएगा। ये आपने नहीं प्रश्न किया कि इतने नौजवानों को नौकरी मिला, बड़ा खुशी का लहर है, ये भी पूछ लिए होते। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, ये मिर्चाई तुरंत जला दीजिएगा। अरे भाई, नौजवानों में कितनी खुशी है ये नहीं पूछिएगा। और ऐसे भी मैं बता देता हूँ कि लाख कोशिश करिएगा, ये झगड़ा लगने उगने वाला नहीं है, ये जान लीजिए आप। चाहे जितना भी नेगेटिव प्रश्न पूछ लीजिए, कोई झगड़ा नहीं लगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा
विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रोशनी का त्यौहार दिवाली नजदीक आ रहा है, लोग इसकी तैयारी में जुड़ चुके हैं। भागलपुर के मुख्य बाजार डीएन सिंह रोड स्थित तनिष्क शोरूम ने, जो कि सफलतापूर्वक 10 साल पूरे कर लिए हैं, ने इस त्योहारी सीजन के लिए नए कलेक्शन पेश किए हैं। आज तनिष्क शोरूम में एक इवेंट के दौरान तनिष्क ने अपने नए कलेक्शन धरोहर को पेश किया। इस दौरान तनिष्क के कई नए और पुराने ग्राहक मौजूद रहे, जिन्होंने इस नए कलेक्शन का भरपूर स्वागत किया। तनिष्क के नए कलेक्शन धरोहर को उन लोगों ने काफी पसंद किया। कहा कि तनिष्क ने अपनी पुरानी परंपरा को बरकरार रखते हुए शानदार पेशकश की है, हम लोग इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एज यूजुअल यूनिक और बोलने की जरूरत नहीं है, हमेशा की तरह मार्वलस, नो वर्ड टू एक्सप्लेन। ये पुरानी कल्चर को क्या बोलते हैं उसको, शो कर रहा है। ऑफ कोर्स भारतीय कल्चर को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है इन्होंने कि ज्वेलरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और किस रूप से हुई थी। मतलब हमें दादा दादी के ज़माने की इन्होंने वापस ले आया है। ऑफ कोर्स सनीस हमेशा ही यूनिक ऐसा कोई ना कोई काम करता है, चाहे वो दिवाली हो चाहे कभी भी हो, पुराना कल्चर हो या न्यू मॉडर्न का कल्चर हो, एज यूजुअल नो वर्ड टू एक्सप्लेन। आज जो नया जो कनेक्शन जो आया है बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है ये कुंदन हार कह के बताए ना, तो कुंदन का है। हाँ, और बहुत अच्छा, मतलब यूनिक लगा। बहुत से तो ब्रांड इनका मतलब आ ही रहा था, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आज जो पहन के जो देखें तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपके पुराने ज़माने के जो गहने होते हैं, उसके दादा दादी के जो ज़माने के गहने होते हैं, उन सबको याद दिलाती है, उन सब की याद दिला रही है। मतलब जो हम लोग पहले यूज़ करते थे गहने, हम लोग पहनते थे, आज वो हम लोग पहन के ये फील कर रहे हैं कि हाँ, हम लोग भी उस ज़माने में फिर से वापस चले गए हैं, क्योंकि हम लोग तो सब नए ट्रेंड में आ गए थे। आज हम लोगों को ये पहन के लग रहा है कि हाँ, कुछ नया हमने पहना है। और ये सारी ज्वेलरी जो है अनमोल गहने, अनमोल रत्न से जड़ाए गए हैं और खूबसूरती इसमें तराशी गई है। और जो भी देखे अभी, बहुत सारी लेडीज़ है पहनी है, बहुत खुश हो रही हैं। और जो नहीं पहने हैं, जो नहीं आए हैं, वो प्लीज़, मेरा कहना है कि आप लोग आएँ एक बार, इस कलेक्शन को देखें और सराहें कि हाँ, ये कैसा है। वहीं तनिष्क शोरूम के नवीन जैन ने बताया कि तनिष्क ने धरोहर के साथ प्राचीन जमाने की कहानियों में एक नया अध्याय पेश किया है। यह नई पेशकश बेहतर डिजाइन और शिल्प को उजागर करता है। इस कलेक्शन में कुंदन ज्वेलरी, क्लासिक गोल्ड ज्वेलरी एवं जगमगाते स्टोन्स के साथ विंटेज ज्वेलरी शामिल है। इस कलेक्शन में शानदार चौकोर नेकलेस सेट एवं कई पैटर्न के साथ अन्य कई कलेक्शन शामिल है। साथ ही नवीन जैन ने बताया कि तनिष्क अभी शानदार ऑफर्स दे रहा है। गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की भारी छूट है, साथ ही डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर 20% तक की बड़ी छूट दी जा रही है। वहीं पुराने सोने के गहने पर, चाहे वो कहीं से खरीदे गए हो, 100% एक्सचेंज मूल्य दिए जा रहे हैं। तो अगर आप भी दीपावली और धनतेरस के मौके पर गहनों की खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो भागलपुर के मुख्य बाजार डीएन सिंह रोड स्थित तनिष्क शोरूम में पेश किए गए धरोहर कलेक्शन एक बेहतरीन ऑप्शन है। आज हम लोग के शोरूम के 10 साल पूरे हो गए हैं, और इस अवसर पर तनिष्क ने एक नया कलेक्शन दिवाली और अपने ये करवा चौथ के अवसर पर एक नया कलेक्शन लॉन्च किया है। उसका नाम है धरोहर। ये अपनी पुरानी संस्कृति से इंस्पायर्ड है। धरोहर का जो अर्थ ही होता है, ये है कि ये आपके जनरेशन से जनरेशन चले आना, तो एक जनरेशन से नई जनरेशन को हैंडओवर करना। तो इस कलेक्शन के एकदम मास्टर ब्यूटीफुल पीसेस क्राफ्टेड किए गए हैं,
और ये अभी हम लोग के सारे स्टोर्स में आ चुके हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि सभी कस्टमर्स से निवेदन करते हैं कि सब लोग आइए देखिए। छूट क्या है सर? छूट इस बार तनिष्क ने बहुत बड़ी छूट दी गई है, सोने के गहनों पर की बनवाई पर 20% की छूट है और डायमंड के पूरे मूल्य पर 20% की छूट तक का उपलब्ध ले सकते हैं। गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल अपने विवादित बयान के लिए काफी चर्चाओं में रहते हैं। आज उन्होंने फिर नया बयान देकर सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने सम्राट चौधरी को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि भाजपा सम्राट चौधरी को ठगने का काम कर रही है और वो जो मुरेठा लगाए हुए हैं उन्हें दिनाए बीमारी हो गई है, उसे छिपाने के लिए वो मुरेठा लगा कर रखते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने नवनियुक्त शिक्षक के त्योहार के समय छुट्टी नहीं देने पर कहा कि उन्हें अब छुट्टी की कोई जरूरत नहीं, वो मन लगाकर काम करे। साथ इन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि मेरे पास कई हथियार है, मेरा शरीर ही एक हथियार है, मेरे सामने जो आएगा उसे फाड़ कर रख दूंगा। मैं लालू यादव के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, मैंने उन्हीं से सीखा है। देखिए नीतीश कुमार के सामने में बच्चा है सम्राट चौधरी, उनके पिताजी कुछ बोलते तो बात सूट करता। ये चाहते हम कुशवाहा का नेता हैं और कुशवाहा को पलट देंगे, ऐसा बात नहीं है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने उल्लू बनाने का काम किया है, मुरेठा बनवा दिया है। जब तक नीतीश कुमार को हराएंगे नहीं तो मुरेठा बांधेंगे नहीं, खोलेंगे नहीं। उनको माथे में दिनाए हो गया, वो ढकने के लिए मुरेठा लगा। 2024 में क्या होगा सर? चुनाव जीतेगी महागठबंधन, एक सीट नहीं बीजेपी का आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। प्रधानमंत्री क्या नीतीश जी होंगे क्या? जी इसमें हम लोग लगे हुए काहे के लिए, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनना एक बात, प्रधानमंत्री बनने के लिए छोड़ दे किसी को, लेकिन ये इंडिया गठबंधन कौन तैयार किया नीतीश कुमार ने? इंडिया गठबंधन में सब ठीक नहीं है, ये भी चर्चा हो रही है। क्या इंडिया गठबंधन में सब ठीक नहीं है? सब ठीक के है पते नहीं है। केजरीवाल ठीक है, ममता बनर्जी ठीक है, शिबू सोरेन का बेटवा ठीक है, सब ठीक है। तेजस्वी राजद के मंत्री बोल रहे हैं नियुक्ति जो मिला है तेजस्वी यादव की वजह से मिला है, इनके घोषणा पत्र में था। अरे भाई क्यों नहीं मिलेगा, अब तो नीतीश कुमार तेजस्वी को सब कुछ सौंप दिए है, सब कुछ छोड़ दिए है। भाई चलाओ जैसे चलाना, ईमानदारी पूर्वक चलाओ। क्या लगता है तेजस्वी मुख्यमंत्री कब बनेंगे बिहार? कौन? तेजस्वी यादव। अभी काल बनेंगे, नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक सोचवो मत कीजिए। सौंप दिए है? अरे सौंप दिए है, नेता बना दिए उनको, वो बाल बच्चे के समान थे। लालू जी बोलो इसको ट्रेनिंग दो, अभी ट्रेनिंग पीरियड में। कहाँ कहते हैं वो तेजस्वी जी, वो तो ये कहते हैं ना तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे ना तो प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार जी, अपना अपना काम कर रहे हैं। काम भी नियुक्ति पत्र भी लेंगे, अपना छठ दिवाली भी मनाएंगे, दशहरा 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 गया ना, फिर होते होते काली चला जाएगा, छठ चला जाएगा। नहीं तो इसमें जो है उन लोगों को ट्रेनिंग दे दिया गया है और ट्रेनिंग के बीच में किसी को छठ और दिवाली में छुट्टी नहीं मिली, कोई जरूरतें नहीं है। नौकरी पावे ट्रेनिंग करे, छठ दिवाली उनका वही है, रिवाल्वरों पर पूछिएगा। क्या हुआ है? क्या हुआ? जमा कर दिए। लेकिन आप आपका तो सीधा सवाल था, शुरू से आप सवाल खड़े कर रहे थे कि आपने कोई उस तरह का नहीं किया। हमारा तो आप लोग देखे होंगे पॉकेट के बगल में ये पैजामा है ना, फोल्डर नहीं ले सके, पैजामा में रखते थे, सलाह सर के यहाँ जाए। अब क्या करेंगे जिस तरह से आपको मैंने जमा करवा दिया गया, इसके लिए अभी कहीं अपील करेंगे, बात करेंगे ऊपर? अपील भी कर लिए, बात भी कर लिए, हमको हथियार का कोनो कमी है, हमारा शरीर हथियार है, जो गया हमने सामने फाड़ देंगे। भागलपुर में फोटोग्राफर एसोसिएशन कई वर्षों से कार्य कर रही है, उसमें कई उतार चढ़ाव भी आते रहे हैं, कई फोटोग्राफरों को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। फोटोग्राफर को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े उन्हें कई सुविधाएं मुहैया कराई जाए, इसको लेकर संगठन ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है फोटोग्राफर एसोसिएशन। आज उसका चुनाव कराया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपना मतदान किया और इस चुनाव में 11 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य जमाया। वहीं प्रत्याशियों का एक ही मुख्य मकसद है फोटोग्राफर के हित में कार्य किए जाए, यूनिटी के तहत कार्य किए जाए, आई कार्ड मुहैया कराया जाए, 10 लाख की पॉलिसी दिलाया जाए जिससे फोटोग्राफर को भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो।
आज भागलपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है, इसमें लगभग 11 प्रत्याशी खड़े हैं। मैं अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मेरा सबसे पहला काम होगा कि भागलपुर के जितने भी फोटोग्राफर हैं, चाहे वो प्रेस के हों चाहे वेडिंग के हों, उसको एक मंच में लाकर उनका सबसे पहले 10 लाख का LIC किया जाए। चूँकि रात बिरात वो लोग बाहर रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाती है तो उनको बहुत स्थिति गंदी हो जाती है। 10 लाख का पॉलिसी अगर रहेगा तो लोग उसके परिवार वालों को बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। और सारे लोगों का रजिस्टर्ड करवाया जाएगा बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन से, उनको एक मंच में लाकर फिर सारे काम को करना। भागलपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, हम उपाध्यक्ष के पोस्ट पे खड़े हुए हैं। इस पक्ष पे अगर हम खड़े हो जाते हैं, जीत जाते हैं, फोटोग्राफर के हित में बहुत सारी काम है। जो छोटे फोटोग्राफर हैं उन लोग को बहुत सारी दिक्कत होता है, या कहीं कुछ कैमरा वगैरह हेरा गया, कुछ मिल गया, कुछ फोटोग्राफर को किसी भी ज़िले में दिक्कत हो गया, हम लोग एकजुट होकर उसको सपोर्ट। काम ये कि फोटोग्राफर लोग, छोटे छोटे फोटोग्राफर लोग, बहुत सारे उन लोगों को दिक्कत होता है काम करने में। यूनियन है एक उनका, यूनिटी बनाएंगे और लेबर में उन लोगों का लेबर जो सरकारी लेबर ही होता है उसमें जोड़ेंगे। जो फोटोग्राफर लोग को एक ID कार्ड प्रोवाइड कराएंगे, जो कहीं आने जाने में दिक्कत हो उसको। प्रशासन बहुत जगह रोक देती है, कैमरा लेके बैग लेके कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, उस चीज़ के लिए ID कार्ड बहुत ज़रूरी है। उनका रजिस्टर्ड ID कार्ड बनाया जाएगा। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भागलपुर इकाई के सभी सेविकाओं द्वारा आज अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय भिक्षाटन करते हुए मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया। सभी सेविकाएं 9 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। वहीं प्रदर्शनकारी सभी सेविकाओं का कहना है कि अभी तक सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ली है। दुर्गा पूजा के बाद अब दीपावली और छठ पर्व आने वाला है। हम लोगों की बातों को सरकार अनसुना कर रही है या कहीं से सही नहीं है। हम लोग पोलियो उन्मूलन हो या फिर कोरोना के समय जब लोग घरों में बंद रहते थे उस समय भी सामने आकर काम कर रहे थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, परंतु हम लोगों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमें राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए, 6,000 के बदले 10,000 वेतन चाहिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सभी आंगनबाड़ी सेविका 2024 के चुनाव में जवाब देंगे और सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। वही प्रदर्शनकारी सेविकाओं ने कहा कि हम लोगों की बातें नहीं मानी गई तो यह आंदोलन और तेज होगा, चक्का जाम होगा, आत्मदाह तक करना पड़ेगा तो कर दूंगी, क्योंकि हम लोगों की मानसिक स्थिति बिहार सरकार ने बिल्कुल खराब कर दी है। नाम सुधा देवी है। हम लोग 5 सूत्री मांग लेके धरना कर रहे हैं 9 तारीख से ही। यदि सरकार नहीं मानेगा तो हड़ताल जारी रहेगा और हम लोग आज भिक्षाटन का कार्यक्रम है और हम मांगेंगे। यदि नहीं देंगे तब तक हम लोग बैठे रहेंगे हड़ताल पे। जब तक नीतीश सरकार और केंद्र सरकार नहीं देती है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और सभी का सरकार डट कर रहेगी और कोई नहीं लेगी। आज 1 महीना पूर्ण वाला है जो हम लोग 1 महीना से धरना पड़ रहे हैं। देख लीजिए कितना लोग शोषित कर रहा है और किसी को और वेतन दिया जा रहा है जो कुछ करता नहीं है। सभी का इतना काम करती है, ब्यूला काम, जनगणना काम, हर काम जितना थोपना है, विकलांग का सर्वे करना, विकलांग को पैसा दिलाना, शीतकालीन हड़ताल पे हैं। और हम लोग आज यही स्थिति है कि हम लोग भीख मांगने के लिए यहाँ खड़ी हैं। क्या मांगे? हम लोग का 5 सूत्री मांगे हैं जिसके लिए कि हम लोग केंद्र से भी गए थे। हम लोग केंद्र सरकार का घेरा 3, 4, 5 तारीख तक हम लोग किए, लेकिन वहाँ से भी निराशा होकर यहाँ आ गए। यहाँ राज्य सरकार सभी को तो सब कुछ दे रहे हैं, राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, सबके लिए पेटी खुला है, लेकिन हमारी सेविका सहायिका बहनों के लिए कहीं कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए अब हम लोग का दुर्गा पूजा तो गया, अब छठ दीपावली है तो हम लोग आए हैं भीख मांगने। सभी बहनें, आज स्थिति यह है बिहार की महिलाओं की कि हम लोग रोड पर खड़े हुए हैं कोटरा लेके। आज हम लोग 5 सूत्री मांगे हैं। हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगा। जो काम कोई नहीं करता है वो आंगनबाड़ी को देता है। जनगणना हो, BLO हो, जन्म मृत्यु हो, जो भी कोई काम है सारा काम आंगनबाड़ी को दिया जाता है। और काम कोई भी काम, हर काम देता है आंगनबाड़ी को। उसके बाद समान काम का समान वेतन नहीं दे रहा है। इसलिए जब तक 5 मांग का पूरा नहीं होगा जब तक ये आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा।
बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के द्वारा प्रयोगशाला से खेत तक सवाल जवाब कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय फसल अवशेष प्रबंधन था। कृषि विभाग ने एक विशेष पहल की है, जिसके जरिए अब किसान के मन की बात कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक देंगे। कृषि मंत्री के इस कार्यक्रम को बिहार के किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर भी लाभ उठाया एवं मंत्री के सुझाव एवं अनुभव की जानकारी किसानों ने प्राप्त की। कृषि मंत्री द्वारा पराली प्रबंधन पर एक रेडियो विज्ञापन अभियान पराली मत जलाना यह है खेती का खजाना का लोकार्पण भी किया। इसके उपरांत सबौर परिसर के ऐतिहासिक विरासत पर आधारित बिहार कृषि महाविद्यालय गौरवशाली इतिहास वृत्त चित्र का लोकार्पण मंत्री द्वारा किया गया। साथ ही मॉड्यूल एंड मॉड्यूल पुस्तिका का लोकार्पण हुआ। फिर स्नातक छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर का ई मैनुअल तैयार करने वाले वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया गया। वहीं कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर हम लोगों ने तय किया है कि अब किसान के मन की बात सुनी जाएगी और उस पर कार्य किए जाएंगे। इसमें हमारे कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट उन किसानों का भरपूर सहयोग करेंगे। यह किसानों की मन की बात अब हर महीने के शनिवार को आयोजित की जाएगी। खेती से लेकर व्यापार तक किसी भी तरह की बात किसानों के मन की होगी और उसके निराकरण का उपाय यहाँ के साइंटिस्ट बताएंगे। जलवायु परिवर्तन के चलते देश और दुनिया में कई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। किसान खुशहाल कैसे हो, कौन सी फसल कब लगाई जाए, कब काटी जाए, कैसे रखरखाव सही तरीके से फसल की हो, अब इन सारे सवालों का जवाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक देंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के अलावे भागलपुर सांसद अजय मंडल, सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं पदाधिकारी, साइंटिस्ट एवं सैकड़ों छात्र मौजूद थे। ये क्या है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के हम लोगों ने तय किया है। हम लोगों ने देखा है देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, हमने कहा अब किसान की बात होगी देश में, अब किसान की मन की बात हम लोग सुनेंगे। अब जो है पूरे बिहार और देश के किसान इस यूनिवर्सिटी से जुटेंगे महीने के हर शनिवार को, खेती से लेकर के व्यापार तक का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा ये साइंटिस्टों से पूछेंगे। जलवायु परिवर्तन को लेकर देश और दुनिया में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, किसान खुशहाल कैसे हो, कौन सा चीज़ किस समय पे लगाए, कौन से मौसम में किस चीज़ की उत्पादन अच्छी होगी, ये सारा सवाल किसान अपने मन में रखेंगे और यहाँ से जुड़ेंगे। इसी का फंक्शन था, है ना, अच्छी शुरुआत, नौजवानों को नौकरी, किसानों की मन की बात, सारी चीज़ तो हम लोग कही रहे हैं। तो लगता है कि इससे आने वाले समय में किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा? लगता नहीं, इसको कहेंगे होता ही है। दवा अगर कोई बीमारी हुई है दवा खाएंगे फायदा तो होगा ही, थोड़ा होता है देर से फायदा होता है, कभी जल्दी फायदा होता है। और अगर साइंटिस्टों ने, कुलपति महोदय ने, सरकार ने अगर कोई योजना लाई है तो रिसर्च करके ही लाती है, सोच समझ के ही लाती है, तो फायदा तो होना ही, नहीं का तो सवाल नहीं होता। कृषि के क्षेत्र में सर विगत 20 वर्षों से अस्थायी नियुक्ति नहीं निकाली गई है सर, मतलब अस्थायी नियुक्ति सर कृषि के क्षेत्र में, छात्राओं का कहना है सर? अभी मैंने किसान सलाहकार का किया, ATM BTM का किया, अभी जो है BO का कर रहे हैं और प्रमोशन हुआ है, सीट वैकेंट हो रही है, फिर से एक साथ हमने कहा है ना मेरा कमिटमेंट है 10,000, तो 130,000 शिक्षकों की हो गई ना, फिर अभी 3,000 के आसपास हो गया ना कि नहीं हुआ, 2,000 हमने ATM BTM को किया, फिर अभी 800 BO का कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, किसने कह दिया कि नहीं कर रहे? अभी दिसंबर में आ जाएगा अखबार में नोटिफिकेशन कि BPSC से कब एग्जाम होना हो रहा है, कॉलेज में मुझे लगता है करीब करीब 120 हो गया, 120 के आसपास जो है यहाँ पे हुआ है, और भी यहाँ से इन लोग निकाल रहे हैं जरूरत। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर शाखा के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह चलाया जा रहा है। इसी दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर शाखा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने घंटाघर चौक से कचहरी चौक होते हुए सैंडिस कंपाउंड तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान जागरूकता रैली निकाली और लोगों को जागरूक करते दिखे। जागरूकता रैली सैंडिस कंपाउंड में जाकर समाप्त हुई। यह कार्यक्रम सातों दिन अलग अलग कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दर्जनों अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। विजिलेंस अवेयरनेस वीक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मना रहे हैं। ये हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरा सप्ताह मनाया जाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्र कार्यालय भागलपुर के द्वारा
ये सतर्कता अभियान प्रभात फेरी आज किया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग नारा भी लगा रहे हैं? हाँ, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इसमें नारा भी लगा रहे हैं। अभी हम लोग सेंटिस कंपाउंड तक जाएंगे और वहाँ लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएंगे। भागलपुर के गोराडी स्वरूप चक का रहने वाला कैलाश मंडल का 16 वर्षीय पुत्र पिंटू कुमार सड़क हादसे का शिकार हो गया। पिंटू कुमार दवा लाने के लिए बाजार गया हुआ था, वहीं लौटने के क्रम में मोटरसाइकिल के सामने किसी जानवर के आ जाने से उसने अपने मोटरसाइकिल का संतुलन खो दिया और वो बड़े नाले में जाकर गिर गया। जब उसे उठाया गया और अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सबको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर से वहाँ दवा वगैरह लाने बाइक से, इसका कैसे कोई जानवर आया उस जगह, संतुलन इसका खो गया, इतना लम चला गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उठा पटा घर ले गया, घर ले गया तो डेड बॉडी देखने के लिए मिला हम लोग को। क्या नाम था बच्चे का? पिंटू कुमार। उम्र कितना? उम्र भाई 15-16 के लमसम है। कैलाश मंडल। बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत की अध्यक्षता में आज 20 सूत्री बैठक का आयोजन किया गया। जिला कार्यक्रम कार्यालय समिति एवं जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत जिला परामर्शदात्री समिति की आज बैठक आहूत की गई। इस बैठक में विभागों से संबंधित सभी अधिकारियों से कार्य के बारे में वार्ता की गई और जो रुके हुए कार्य है उसे जल्द प्रारंभ कर संपादित करने का भी निर्देश दिया गया। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के अलावा इस बैठक में विधायक, सांसद, मेयर व कई विभागों से संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर के गुटखा गोदाम में भीषण आग लग गई। यह गोदाम गिरधारी सा हटिया के सामने भवानी बिल्डिंग में चल रहा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। आग इतनी भयावह थी कि आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग की लपटें आसमान छू रही थी। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग इधर उधर भागते नजर आने लगे। तभी इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। तब जाकर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अनुमानता इसमें व्यवसायी को लाखों की क्षति हुई है। आग लगने से इस गोदाम में रखे मसाला, पापड़, चिप्स, बड़ी जैसे कई सामान जलकर राख हो गए। हालांकि इसमें किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्या बता दीजिए आप? शॉर्ट सर्किट है। किस चीज का गोदाम था? किस चीज का गोदाम था? खैनी का। खैनी का।